हाय मीना सान कोनिचुआ गाइज़, ये हमारी JP2 कोर्स के चैप्टर नंबर 7 की वीडियो नंबर 3। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं डुनुंगो देवा आज में माशो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम 8th पैटर्न से स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट 7 पैटर्न तक हमने लास्ट 2 वीडियो में देख लिया था, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा गाइज हमारा 8th पैटर्न है वो है हमारा ई एडजेक्टिव प्लस कू प्लस विमास। अब यहाँ पर गाइज ध्यान रखना, ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव दोनों के लिए बता रहा हूँ कि अगर हम ई एडजेक्टिव का वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी ई एडजेक्टिव का वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो ई एडजेक्टिव का ई है वो कू में चेंज हो जाता है, ठीक है, और ई हट जाता है, ठीक है ना। या फिर कह लीजिए आप ई को हटा करके कू ऐड करना है, या फिर बोलिए कि ई को ही कू में चेंज कर देना है, ओके। तो कुछ भी बोल सकते हैं आप जो आपको सही लगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ना एडजेक्टिव। ना एडजेक्टिव में आपका जो ना होता है वो नी में चेंज हो जाता है, ठीक है। वर्ब के साथ की बात कर रहा हूँ गाइज। अगर आपको ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव को वर्ब के साथ यूज़ करना है तो आपको ई का ई कू में चेंज करना पड़ेगा और ना का नी में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है कि मोत्तो ह्याकू आरुते कुदासाई युक्कुरी आरु कनाइदे कुदासाई, कि मोत्तो ह्याकू की थोड़ा जल्दी जल्दी आरुते कुदासाई, प्लीज़ थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए, युक्कुरी आरु कनाइदे कुदासाई, धीरे धीरे मत चलिए, युक्कुरी मतलब था स्लो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था, हयाई का इन्होंने हयाकू कर दिया। हयाई मतलब होता है फास्ट, ठीक है ना, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हयाई का हयाकू कर दे क्योंकि इन्होंने आरुते आरु की मास यहाँ पर वर्ब यूज़ करी, तो इन्होंने ई का कू में चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे जी ओ ओ की कू का किनसाई, ठीक है, कि जो लेटर है उसको बड़ा बड़ा लिखिए, ची साकू काइते बाई के मासेन, ची साकू काइते बाई के मासेन मतलब छोटा लिखना प्रोहिबिटेड है, छोटा छोटा मत लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए, ओके। ऐसे यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं यहाँ पर। अब ना एडजेक्टिव में आ जाते हैं हम। ना में यहाँ पर क्या करना है आपको, ना का जो ना एडजेक्टिव का जो ना है वो नी में चेंज कर देना है प्लस वर्ब। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो देखते हैं कि गाक्से ताची वा जियोनी सुकीना को तो ओ शितेमास, ठीक है, कि जो गाक्से ताची जो बच्चे हैं वो जियोनी फ्रीली अपनी मनपसंद काम कीजिए कर सकते हैं, करते हैं, मतलब ये कहने का मतलब है शितेमास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्यों वा फुजीशान गा किरेनी मियमास, कि आज जो फुजीशान है जो माउंट है माउंट फुजी है वो किरेनी मियमास सुंदर दिख रहा है ना, सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर किरेई ना का जो ना था वो नी में चेंज कर दिया, और यहाँ पर जो था जियोनी का जो जियोना का जियो ना था वो नी में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। सो गाइज अब हम आते हैं अपने 9th पैटर्न पर। यहाँ पर 9th पैटर्न क्या है कि रीज़न सोरे दे रिजल्ट, या फिर रीज़न नो दे रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको ये याद। अब यहाँ पर सोरे दे और नो दे का मतलब क्या है गाइस, वो आपको सबसे पहले समझने वाली बात है। तो यहाँ पर इसका मतलब है बिकॉज या बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है ना, क्योंकि या फिर किसी रीज़न से, कुछ भी रीज़न हो सकता है वो, और नो दे या फिर सोरे दे बिकॉज रिजल्ट यहाँ पर क्या आया वो, ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट तो ठीक है, रिजल्ट तो आने आना है। अब रीज़न में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आप नोदे यूज़ करना चाह रहे हैं तो रिज़ल्ट का जो लास्ट आपको यहाँ पर जो लास्ट यहाँ पर वर्ब है सेंटेंस की वो आपको प्लेन फॉर्म कर देनी है, ठीक है। और अगर आप सोरे दे यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली फुल स्टॉप लगा करके, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सेंटेंस यहाँ पर दोनों में देखिए फ़र्क क्या है, आइए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रीज़न के बाद फुल स्टॉप लग गया, ठीक है, फुल स्टॉप लग गया, यानी कि सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। तो सेंटेंस आपकी मर्जी है, आप प्लेन फॉर्म में ख़त्म करें या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल किसी में भी ख़त्म कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। प्लेन फॉर्म में ख़त्म करो या मास फॉर्म में ख़त्म करो, आपकी मर्जी। आपको सोरे दे लगा देना है। अगर यहाँ पर नो दे यूज़ कर रहे हैं आप तो आपको गाइस वर्ब की प्लेन फॉर्म ही यूज़ करनी पड़ेगी, मास फॉर्म आप नहीं कर सकते। प्लेन फॉर्म के साथ आपको नो दे यूज़ करना पड़ेगा और कोमा लगा करके दोनों में ही आपको रिजल्ट बता देना है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है उनकी मदद से सीखते हैं कि आनी वा ब्योकिनी नारी मास्ता सोरेदे गक्को यासुमी मास्ता, कि जो बड़ा भाई है वो बीमार हो गया था सोरेदे गक्को यासुमी मास्ता, जिसके कारण उसने छुट्टी करी। अब यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन देखिए, आपको क्या करना है कि आपको पीछे से स्टार्ट करना है। मैं तो कहूँगा कि आपको पीछे से स्टार्ट करना है कि स्कूल की छुट्टी करी, भाई ने स्कूल की छुट्टी करी सोरेदे क्योंकि आनी वा ब्योकिनी नारी मास्ता, बड़ा भाई बीमार हो गया था, ठीक है,
ऐसे आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। और अगर आपको कोई सेंटेंस बनाने के लिए बोलता है हिंदी में भी, तो आपको तब भी ऐसे बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको आप उल्टा कर देंगे कि आप ये पहले लगा देंगे कि गाको यासुई मास्ता सोरे दे आनीवा आनी वा ब्योकिनी नारी मास्ता, आप ऐसे ही बना सकते हैं। गाइस बहुत देखे हैं मैंने बच्चे जो उल्टा सेंटेंस बना देते हैं फिर वो गलत हो जाता है। तो आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पीछे से आप ट्रांसलेशन लेना शुरू करें, ठीक है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, अब नो दे लगा करके यहाँ पर देखते हैं कि वर्ब की प्लेन फॉर्म यहाँ पर यूज़ करी है, ठीक है, कि आनीवा ब्योकिनी नत्ता नो दे गाको यासुमी मास्ता, ठीक है, कि स्कूल की छुट्टी करी क्योंकि आनीवा ब्योकिनी नत्ता, बड़ा भाई बीमार था। नो दे, अब यहाँ पर नो दे के साथ यहाँ पर वर्ब की प्लेन फॉर्म यूज़ करी, नारी मास्ता का इन्होंने नत्ता कर दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस दोनों का ट्रांसलेशन सेम रहेगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बस देखने वाली बात क्या है कि आपको सोरे दे यूज़ कर रहे हैं तो मास या नो दे, आपको मास या फिर प्लेन फॉर्म कोई भी यूज़ करिए, आपको सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा देना है, आपको सेंटेंस वहीं ख़त्म कर देना है, उसके बाद सोरे दे से स्टार्ट करना है, ठीक है। और नो दे यूज़ करना है तो आपको वर्ब की जो प्लेन फॉर्म है वही यूज़ करनी पड़ेगी गाइज, ठीक है, वर्ब हो या फिर एडजेक्टिव हो नाउन हो, आपको सबका प्लेन फॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा कोनो गीता वा फुरुइदेस, कि यह जो गिटार है वो पुराना है सोरे दे ई ओतोगा शिमा से, ठीक है ना, जिसके कारण इसकी अच्छी आवाज़ नहीं है, क्योंकि इसकी अच्छी आवाज़ नहीं है क्योंकि कोनो गीतावा फुरुइदेस, यह जो गिटार है यह पुराना है, ठीक है, आपको पीछे से ट्रांसलेशन लेंगे लेकिन जो सेंटेंस है वो सीधा ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है कोनो गीतावा फुरुई नो दे ई ओतोगा शिमासेन, कि इस यह जो गिटार है फुरुई है, ओल्ड है, इसलिए इसकी अच्छी आवाज़ नहीं है, ई ओतोगा शिमासेन, अच्छी आवाज़ नहीं है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर अब देखिए ई एडजेक्टिव के साथ यहाँ पर ई लगेगा प्लस नो दे आ जाएगा, ठीक है ना, प्रॉपर्टी भी साथ के साथ पता होनी चाहिए ना गाइस। नेक्स्ट हमारा तो सो शिशु वा शिशु का देश सोरदे योकु बेंक्यो गा देकी मास, कि जो तो शिशु लाइब्रेरी है वो शांत है, क्वाइट है, जिसके कारण योकु बेंक्यो गा देकी मास, कि अक्सर आप वहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट तो शिशु वा शिशु का ना नो दे, अब शिशु का ना भी आएगा इसके साथ, ना नो दे योकु बेंक्यो गा देकी मास, कि तो शिशु जो लाइब्रेरी है वो शांत है, क्वाइट है, जिस कारण आप वहाँ पर योकु बेंक्यो का देखी मास, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइस सेंटेंस है कोरेवा ई कामरा देश सोरे दे तोतेमो तकाई देश, ठीक है ना, कोरेवा ई कामरा देश, कि यह जो है अच्छा कैमरा है जिसके कारण यह तकाई है, जिसके कारण यह तकाई है, तोतेमो तकाई देश। नेक्स्ट है कोरेवा ई कामरा नानो दे, तो कामरा है गाइस, कामरा के साथ यहाँ पर इन्होंने नोदे का यूज़ किया, तो नाउन के साथ जब हम नोदे यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ना भी लग जाएगा गाइस, ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है ना। कैमरा ना नोदे तोते वो तकाई दे, इसकी बहुत महंगा है, क्योंकि इसलिए यह अच्छा कैमरा है, क्योंकि यह अच्छा कैमरा है इसलिए महंगा है, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आई होप आपको ये दो पैटर्न तो समझ आ ही गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पैटर्न है देशों का, ठीक है, लास्ट पैटर्न है हमारा देशों। तो देशों में आपने पहले भी पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर सेंटेंस पढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगा कि निहोंगवा मुजुकाशी देशों, कि शायद जो निहोंगो है वो मुजुकाशी है, मुजुकाशी देशो आनतामो सो ओमोई मासेन का, कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं क्या, आनतामो सो ओमोई मासेन का, कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं क्या, ओमोई मासेन है लेकिन आप सेंटेंस नेगेटिव में है, लेकिन जिसका ट्रांसलेशन है वो हिंदी वाला ही पॉजिटिव ही है, कि आप भी ऐसा सोचते हैं क्या। नेक्स्ट है गाइस सोनो रिंगो वा ओइशी देशो, कि ऐसा लगता है कि वह जो एप्पल है वो टेस्टी है, डिलीशियस है, ठीक है ना, टेस्टी है। तो आपको ऐसे देशों करके सेंटेंसेस बनाने हैं, तो सिंपल गाइस आपको आई होप आपको ये सारे पैटर्न जितने भी मैंने बताए हैं आपको समझ आ गए होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 17 था ये हमारा हो चुका है फिनिश्ड, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।